राजनीति में जब सभी दांव फेल हो जाते हैं तो पार्टियां इमोशंस यानी लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट जुटाने की कोशिश करती हैं। एमसीडी चुनावों से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के झूठ की पोल एक बार फिर से सबूतों के साथ खोल दी तो आम आदमी पार्टी ने कई हथकंडे अपनाए लेकिन वो सभी फेल हो गए। तो अब पार्टी ने नया दांव खेला है जहां वो आम जनता की भावनाओं से खेलकर खुद को पाक साफ दिखाना चाहती है। मनीष सिसोदिया ने एक नया राग छेड़ते हुए अरविंद केजरीवाल के हत्या की आशंका जताई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की हत्या हो सकती है। मनीष सिसोदिया ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी का नाम लेते हुए उन पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने तिवारी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए चुनाव आयोग और पुलिस से शिकायत करने की बात कही है। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बयान देते हुए कहा था कि उन्हें जनता पीट सकती है। मनोज तिवारी ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर कहा कि टिकटों की बिक्री और सत्येंद्र जैन का मसाज लेते हुए सामने आए वीडियो की वजह से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जितना आक्रोश है उसको देखते हुए उन्हें दिल्ली के सीएम की सुरक्षा की चिंता सता रही है। तिवारी ने लिखा, अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूँ क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री और जेल में बलात्कारी से दोस्ती और मसाज प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और जनता गुस्से में है। इनके विधायक पिटे भी हैं, इसलिए दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा न हो जाए, सजा न्यायालय ही दे। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि सीएम केजरीवाल को अपने कर्मों की सजा मिलनी ही है। इसी के बाद सिसोदिया ने भी कहा कि एमसीडी और गुजरात में हार के डर से भाजपा साजिश रच रही है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की, ये किसी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी ने एक तरह से धमकी दे दी है केजरीवाल को। इससे साफ हो गया कि भाजपा केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल तिवारी ने किया उससे ये साफ हो गया कि बदनाम करने की साजिश में नाकाम रही भाजपा अब हत्या की साजिश कर रही है। हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे, FIR भी दर्ज कराएंगे कि मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया जाए और इसकी विस्तृत जांच कराई जाए। आज केजरीवाल देश में बहुत लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए भाजपा न्यूनतम स्तर पर उतरकर हत्या की साजिश रच रही है। यही नहीं, सिसोदिया ने इससे एक दिन पहले भी आरोप लगाया कि दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने अपने गुंडों को केजरीवाल पर हमला करने को कहा और इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, गुजरात और एमसीडी चुनाव में हार के डर से बौखलाई बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है। इनके सांसद मनोज तिवारी खुलेआम अपने गुंडों को अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए कह रहे हैं और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। आप इतनी टुच्ची राजनीति नहीं करती है, इनके गुंडागर्दी का जवाब अब जनता देगी। वहीं दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया कि केजरीवाल राजनीतिक जगह और जनता की सहानुभूति पाने के लिए खुद पर हमले की साजिश रच सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के ट्वीट के बाद ये साफ है कि आप बौखला गई है। राजनीतिक जगह और सहानुभूति पाने के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि खुद पर हमला भी करवा सकते हैं। जनता में आपकी छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बहरहाल दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी वैसे वैसे तेज होती जा रही है।